आज मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताऊंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ER। सबसे पहले पोर्टर और कॉलमैन ने ER की खोज की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार से पहले अंगक को इरगैस्ट्रोप्लाज्म कहा जाता था। गार्नियर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और इरगैस्ट्रोप्लाज्म का नाम दिया। ER जो है वो समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं और एनिमल सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल मैच्योर RBC बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। पलाड़े द्वारा ये बताया गया कि ER की उत्पत्ति कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार की होती है, रफ ER और स्मूथ ER। आर रफ, एक खुरदरी होती है और एक स्मूथ होती है। नलिकाओं का यह जाल कोशिका द्रव्य में केंद्रक है, प्लाज्मा झिल्ली के मध्य फैला रहता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका महीन व शाखित झिल्लीदार नलिकाओं के एक अनियमित घने जाल के रूप में कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर यह पृथक पृथक पुटिकाओं के रूप में दिखाई देती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका में तीन प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इस तरह से जुड़ी हुई रहती है। तो इसमें तीन प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, सिस्टर्नी, कुंडिकाएं कहते हैं, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। इन्हें कुंडिकाएं कहते हैं, ये नलिकाएं हैं और ये आशय पुटिकाएं भी कहते हैं इन्हें। तो तीन प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले सिस्टर्नी, लॉन्ग फ्लैटन अनब्रांच यूनिट्स अरेंज्ड इन स्टैक्स। इसके जो एक वजन है वो सिस्टर्ना कहते हैं इसको। ये चपटी चौड़ी कलाबद्ध व अधिकतर अशाखित रचनाएं होती है जो कोशिका द्रव्य में समानांतर पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित रहती है। इन पर राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे सिंगल अलग से मैं बनाऊंगी तो एक तरफ तो जैसे सिंपल है स्मूथ ER जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये खुरदरी वाली होती है, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये वाली है ER और ये वाली है स्मूथ वाली। तो दो तरह की पाई जाती हैं ये। जब तो इन पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं राइबोसोम प्रोटीन में सक्रिय रूप से भाग लेती है। उनमें सिस्टर्नी अधिक संख्या में स्पष्ट रूप से उपस्थित होती है। स्रावी ग्रंथियों में कुंडिकाएं अत्यधिक विकसित होती है। ये पादप की मूल व पर्ण की मृदुत्तक कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरा ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं, लॉन्ग आइसोलेटेड ब्रांच्ड यूनिट्स कनेक्टेड सिस्टर्नी।
ये रचनाएं नलिका के रूप में होती है। इनकी आकृति व्यवस्था तथा शाखन अनियमित होता है। उन शाखाओं में ट्यूबल्स अधिक पाई जाती है जो कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड्स, स्टीरॉइड्स तथा हॉर्मोन्स का संश्लेषण करती है। यह चिकनी भित्ती वाली होती है और खोखली होती है। यह एक तरफ से केंद्रक झिल्ली व दूसरी तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है। तो इस प्रकार की ये नलिकाएं पाई जाती हैं। ये एक तरफ केंद्रक झिल्ली और दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। नलिकाओं के भीतरी सकड़ी ल्यूमन के कारण दोनों ओर की कला अत्यंत पास होती है। नलिकाओं द्वारा घेरा गया स्थान ER ल्यूमन कहलाता है। यह लाइपोप्रोटीन की एकल झिल्ली द्वारा निर्मित होती है, अतः पारगम्यता गुणयुक्त होता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन अनेक पदार्थों के आवागमन हेतु मार्ग देने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तीनों संरचनाएं आपस में जुड़ी रहती है। तीसरी है वेसिकल्स, यह इसको कहते हैं पुटिकाएँ। तो ये इस तरह से छोटी छोटी पुटिकाएँ होती हैं, कुछ बड़ी होती है और कुछ छोटी होती हैं। स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, पुटिकाएँ अंडाकार या गोलाकार थैलीनुमा रचनाएँ होती हैं। यह भी प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय कोशिकाओं में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल पैनक्रियास की सेल्स में पाई जाती है। कभी कभी वेसिकल्स आपस में जुड़कर बड़ी पुटिकाएँ बना लेती हैं जिन्हें कैनाल सेल कहते हैं। यह साइटोप्लाज्म में दूर दूर तक फैली रहती है, परंतु स्त्रावी व प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में यह पास पास पाई जाती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की सहायता से अंतःप्रद्रव्य जालिका त्रिस्तरीय रॉबर्टसन इकाई झिल्ली के समान होती है। ल्यूमन के कारण दोनों झिल्ली इतनी पास होती है कि एक ही दिखाई देती है, लेकिन अंतःप्रद्रव्य जालिका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लाइपोप्रोटीन की सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब है रफ ईआर के बारे में। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ ईआर की सिस्टर्नी की सतहों पर अनेक राइबोसोम चिपके रहते हैं जिससे इनकी सतह खुरदरी हो जाती है। राइबोसोम युक्त ईआर को रफ ईआर या ग्रेन्युलर ईआर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स के रूप में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। रफ ईआर को काश शार्प्रिय बेसोफिलिक लक्षण राइबोसोम के कारण होता है। राइबोसोम में प्रचुर मात्रा में राइबोसोमल आरएनए होता है। रफ ईआर पर राइबोसोम की व्यवस्था सर्पिल या रोजेट या वृत्ति होती है। इस प्रकार की जालिका पट्टिका रूपी चपटी सिस्टर्नी से बनी होती है। रफ ईआर की कुंडिकाएं की सतह पर राइबोसोम मैसेंजर आरएनए की सहायता से चिपके रहते हैं। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में रफ ईआर काफ़ी विकसित व उचित व अधिक मात्रा में पाया जाता है। रफ ईआर की कुंडिकाएं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के समानांतर व्यवस्थित दिखाई देती हैं। कुंडिकाएं के सिरों पर कई नलिकाएं संयुक्त होती है। जिस कोशिकाओं में रफ ईआर की मात्रा अधिक होती है उसमें स्मूथ ईआर काफ़ी कम होता है। अब नेक्स्ट है स्मूथ ईआर। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, उन कोशिकाओं में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका विकसित रूप से पाई जाती है जो सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण नहीं करती है। एग्जाम्पल WBC, स्पर्मेटोसाइट्स, आँख की ग्राही कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम चिपके नहीं होते हैं, इस कारण इन्हें स्मूथ ईआर कहते हैं।
स्मूथ ईआर अप्रोटीनी पदार्थ मुख्यतः लिपिड्स तथा स्टीरोइड्स, हॉर्मोन्स, फॉस्फोलिपिड्स व ग्लाइकोलिपिड्स का संश्लेषण करती है। कोशिका की उपापचय आवश्यकताओं के अनुसार स्मूथ ईआर व रफ ईआर का परस्पर इंटर कन्वर्जन होता रहता है। स्मूथ ईआर पैटर्न में कुंडिकाएं प्राय अनुपस्थित होती हैं, इसका अधिकांश भाग ट्यूबुलर होता है। स्मूथ ईआर व रफ ईआर कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। स्मूथ ईआर अपेक्षाकृत कम स्थायी है। रफ ईआर की उत्पत्ति स्मूथ ईआर से होती है, ग्लाइकोजन की अधिकता वाले भागों में पाई जाती है। स्मूथ ईआर पेरोक्सिज़म्स गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से जुड़ी रहती है। अब इसके हैं कार्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन के विघटन को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजन के संश्लेषण को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन ईआर में संश्लेषण नहीं होता है। दूसरा है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। राइबोसोम उपस्थित होने के कारण प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तीसरी प्रकार का है लिपिड मेटाबॉलिज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वसाओं के संचयन व स्थानांतरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इसमें दो तरह का होता है, एक तो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट NADH एंजाइम इलेक्ट्रॉन का परिवहन करते हैं। कुछ एंजाइम स्मूथ ईआर में पाए जाते हैं। दूसरा है आयन ट्रांसपोर्ट। जंतु पेशियों की कोशिकाओं में ईआर में एक सक्रिय एटीपेज जटिल पाया जाता है, जो कैल्शियम आयनों की सांद्रता बढ़ाता है। कैल्शियम पेशियों के सिकुड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। अब तीसरी प्रकार का है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। यह भी ट्रांसपोर्ट में, यह ईआर नलिकाओं के जाल के रूप में होने के कारण यह कोशिका और उसके बाह्य माध्यम के बीच पदार्थों के संवहन का कार्य करती है। चौथी प्रकार का ट्रांसपोर्ट है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। कोशिका के भीतर संश्लेषण स्थल में संचयन स्थल व क्रियाशील स्थलों तक विभिन्न पदार्थों का संवहन अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर में अकर थ्रू द डक्ट्स ऑफ ईआर। एट सम प्लेसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिक्रेट द मटीरियल आउटसाइड द सेल। फिर है मैकेनिकल सपोर्ट। ईआर फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। ये कोशिका के कंकाल का कार्य करती है व मैट्रिक्स को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैली रहती है। अब इसका दूसरा है फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों की कलाओं व अंतःप्रद्रव्य जालिकाओं की कलाओं में रचनात्मक साम्यता के कारण यह स्पष्ट होता है कि ईआर इन अंगकों के निर्माण में सहायक होती है। प्रोप्लास्टिड में गोल्जिकाए का निर्माण ईआर से होता है। इस प्रकार ईआर से विभिन्न माइक्रोबॉडीज जैसे पेरोक्सिज़म्स, ग्लाइकोजिनोलाइसिस आदि भी बनते हैं। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। तो और भी मैं बताऊंगी कि सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली कौन कौन सी होती है। जैसे सेल में सेल ऑर्गेनेलीज के नाम बताती हूँ आपको मैं, सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी पाई जाती है। सबसे पहले तो मेम्ब्रेन लेस जो होती है वो होती है राइबोसोम, जिस पर की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ये है राइबोसोम।
सिंगल मेम्ब्रेन में एकल झिल्ली जिसमें पाई जाती है लाइपोप्रोटीन की होती है। इसमें सबसे पहले ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, परऑक्सीजोम्स, वैक्यूल, माइक्रोट्यूबुल्स, लाइसोसोम, अबे डबल मेम्ब्रेन जो द्वि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सबसे पहले न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और है माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीन तो इसमें डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, ये सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल एनिमल सेल में पाई जाती हैं। लाइसोसोम्स होते हैं वो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, और गॉल्जी का एक वो प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स कहते हैं।